दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसी टेक्निकल इश्यू के कारण मेरे सभी सब्सक्राइब गायब हो गए थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर करके प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद। और वीडियो आगे दोस्तों देखें। कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे और सेफ होंगे घर पर। देखें दोस्तों, आप सभी ने आजकल जो है डिबेट देखी होगी आपने नेताओं की, परसों तरसों पहाड़ टीवी पर। तो आपने एक निचोड़ निकाला होगा, उसका निचोड़ ये था कि जितने भी नेता थे, वो आप नेता हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनका कहना ये था कि जितने भी संगठन हैं, बीएड हो, एनआईडीएलएड हो, डाइट हो, कोई सा भी हो, उनसे उनकी यही रिक्वेस्ट थी कि सभी लोग आपस में मिलजुल कर जो है भर्ती प्रक्रिया को करा दें, वरना तो उनका सरकार के ऊपर उन्होंने हमला बोला है। एक तरीके से उनका कहना यह था, सरकार ये चाहती है कि ये भर्ती जो है कोर्ट में ही के अधीन ही रहे और ये मामला लंबित रहे। जब ये मामला लंबित रहेगा तो आचार संहिता लग जाएगी और जितने भी पद हैं जू के तू रह जाएंगे, और ये आपस में कोर्ट कोर्ट खेल कर आपस में सभी ऐसे ही रह जाएंगे। और आप देख रहे होंगे, सभी जो नेता है वो बात सही भी बोल रहे हैं कि ये सरकार क्या चाह रही है। इनका तात्पर्य यह है कि जितने भी जैसे शिक्षक लगा रखे हैं अलग अलग तरीके से, आपने देखा होगा गेस्ट टीचर बोलते हैं जिनको, उनको लेना चाह रही है प्राइवेट की तरह, ऐसे देखा होगा आपने। और हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनका भी रुख आपने देखा होगा, उनका कहना था कि शिशु मंदिर जो है प्राइवेट में अच्छी क्वालिटी देते हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटी देते हैं, अगर सरकार टीचरों को इतना पैसे देती है तो अपने स्कूल की क्वालिटी भी अच्छी बना सकती है, ये भी कहना है। और दूसरी बात यह है, जो मंत्री जी हैं उनका रुख प्राइवेट की तरफ है, आप देख भी रहे होंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जिन्होंने केस कर रखा है वापस लेने के बाद तभी इसका जो है भर्ती होगी, वरना तो लंबित रहेगा। ना तो ये रहेगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये वाला अभी हिसाब भी चल रहा है पूरा उत्तराखंड में। कोई किसी को देखकर भाई नहीं रहा है, कोई किसी के पीछे पड़ा है, कोई किसी के पीछे पड़ा है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लो, बल्कि मोदी जी का तो कहना ये है कि भाई जो है कोई आंदोलन जी भी है, कोई कुछ है, वो तो सरकार तो कह के निकल जाती है, लेकिन जिसके हकों का हनन होता है वो तो आंदोलन भी करेगा, सब चीज़ करेगा। और आपको पता है कि एनएसडीएलएड भी एक केंद्र सरकार द्वारा कराई गई है, मोदी सरकार के द्वारा, आप सभी को पता है। ये बहुत दिन से ये प्रोग्राम बहुत पहले सेटअप हुआ था, शायद 2009 से सेटअप हुआ था इस प्रोग्राम का जो एनएसडीएलएड है। फिर इसको 2017 में अब कराया गया, एनसीटी एमएचआरडी के अंडर में इसको करा दिया गया है और ये पूरे देश में एलिजिबल है किसी भी चीज़ के लिए। तो आपको मैं बता दूँ, जैसे नेता लोग भी क्या कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, आपने देख लिया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जैसा वो बोल रहे हैं कि अपने जो केस वापस ले, किसी भलाई के लिए बोल रहे होंगे, कोई वैसे नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें पता है अगर कोर्ट में एक केस फंस गया तो आप आचार संहिता लग जाएगी, फिर ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे और सरकार में जमे रहेगी और जितने लोग आपस में लड़ते रहेंगे। और तुम्हें पता है कि एनएसडीएलएड जो है अभी कोर्ट में केस 1 सितंबर में देखते हैं क्या होते हैं। ये तो वैसे तो काउंसलिंग लेटर तो सभी के आने ही है, क्योंकि काउंसलिंग लेटर वो इसलिए आने हैं क्योंकि जो ऑर्डर हुआ है कि अंतरिम जो है, अंतरिम राहत है एक तरीके की, कि अंतरिम जो है भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, लास्ट में जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी है जिन्होंने केस कर रखा वो वापस ले, वरना तो क्या होगा, 1 तारीख के बाद भी क्या पता कोई डेट मिल जाए, या फिर उसके बाद क्या सिचुएशन बने, सुप्रीम कोर्ट तक ना हो जाए। तो इससे बढ़िया है कि सभी का भला हो जाए, सभी को रोज़गार मिले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दूं कि मेरा चैनल जो है थोड़ा क्या हो गया था, इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो भाग गए थे, मतलब भागने का मतलब रिमूव हो गया था मेरे से ही गलती के कारण। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर भी करें और अपने दोस्तों से इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Thank you.